नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अभिषेक ऐश्वर्या की शादी की एक रात पहले हुआ था कुछ ऐसा, सुनकर हिल गया था बच्चन परिवार। बॉलीवुड में अभिषेक ऐश्वर्या की जोड़ी सबसे चर्चित जोड़ी में से एक है। हालांकि ये अलग बात है कि अभिषेक अपने फिल्म करियर में उतने सफल नहीं हो पाए जितना कि ऐश्वर्या राय बच्चन हुई है। बता दें कि आज ही के दिन यानी 20 अप्रैल को 2007 की शाम बच्चन परिवार के निवास प्रतीक्षा में दोनों की शादी हुई थी। इस शादी से पहले अभिषेक का नाम करिश्मा कपूर से जुड़ा जाता था। साल 2002 में अभिषेक और करिश्मा कपूर की सगाई भी हुई थी, लेकिन कुछ कारण 2003 में दोनों की शादी होने से पहले ही रिश्ते टूट गए, जिसके बाद 20 अप्रैल को अभिषेक ऐश्वर्या ने शादी कर ली। जानकारी के अनुसार अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी से ठीक पहले अचानक एक नया मोड़ आ गया था। जानवी कपूर नाम की एक मॉडल ने शादी की एक रात पहले 19 अप्रैल को प्रतीक्षा के सामने अपने हाथ की नस काट ली थी। मॉडल का दावा था कि उसकी और अभिषेक के बीच नजदीक या फिल्म 10 की शूटिंग के दौरान बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, मॉडल जानवी कपूर ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। मॉडल ने कहा था कि कुछ दोस्तों के सामने दोनों ने शादी भी की थी। बता दें कि जानवी ने अभिषेक के साथ गाने 10 बहाने में काम किया था। जब जानवी से ये पूछा गया कि उनके पास शादी का क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा कि प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। सुसाइड करने के आरोप में जानवी को अरेस्ट कर लिया गया था। इस घटना से पूरा बच्चन परिवार हिल गया था। अभिषेक ऐश दोनों रावण, कुछ ना कहो और गुरु जैसी फिल्मों में काम किए हैं। आखिरी बार दोनों मणिरत्न की फिल्म रावण में एक साथ नजर आए थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।